सो हेलो स्टूडेंट्स माई सेल्फ दिनेश कुमार यादव और देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेलोसिटी और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे जितने भी आप टॉपिक करेंगे सबके अंदर ये काम आएगा सो so, देखिए वेलोसिटी क्या होती है सो लास्ट वीडियो में हमने स्पीड को पढ़ा था सो so, स्पीड और जो वेलोसिटी है बेसिकली नियरली सेम है ठीक है थोड़ा यहाँ पर फर्क होगा वो बेसिकली स्पीड जो है उसके अंदर यहाँ पर मैग्नीट्यूड होता है केवल स्केलर क्वांटिटी है जबकि जो वेलोसिटी है उसके अंदर यहाँ पर साथ में डायरेक्शन भी होती है और यहां पर जो हमारी स्पीड है वो डिस्टेंस से हम उसको डिफाइन करते हैं और वेलोस्टी को हम डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट से सो so, देखिए क्या होती है सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन ठीक है कि किसी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन में चेंज हो रहा है टाइम के साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ठीक है याद रखिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर वहां पर हमने कहा था इन एवरी डायरेक्शन की कि किसी भी डायरेक्शन में हो कोई भी डायरेक्शन हो उसमें अगर किसी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन का चेंज हो रहा है टाइम के साथ तो उसको तो हम कहेंगे स्पीड बट अगर किसी फिक्स डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट का चेंज हो रहा है ठीक है पोजीशन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है सो तो अगर किसी फिक्स डायरेक्शन में यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम टाइम के रिस्पेक्ट में देन इट इज कॉल्ड वेलोसिटी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टू डिवाइडेड बाय टाइम ठीक है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम ठीक है तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया ठीक है सिंपली हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करके यहां पर वेलोसिटी निकाल सकते हैं इसके बाद देखिए जो वेलोसिटी है ये बेसिकली हमारी वेक्टर क्वांटिटी है सो वेलोसिटी वेलोसिटी वो होती है सेकंड जो की सेम होती है स्पीड के अच्छा सी यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट यहाँ पर मीटर की जगह हो जाएगी सेंटीमीटर एंड सेकेंड माइनस वन सो सेंटीमीटर पर सेकेंड इज दीजीएस यूनिट ऑफ वेलोसिटी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी सेम एज स्पीड दम जीरो एल वन टी माइनस टू सो डिस्प्लेसमेंट के लिए एल टाइम के टाइम के लिए टी डायमेंशन हो गई सो एल डिवाइडेड बाय टी सो एल टी माइनस वन ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया हमारी वेलोसिटी का इसके बाद वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो अब ये भी देखिए कि जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है जीरो भी हो सकती है वहां पर जो हमारी स्पीड थी वो या तो पॉजिटिव थी या जीरो थी बट जो वेलोसिटी है वो यहाँ पर नेगेटिव भी हो सकती है ठीक be है डिस्प्लेसमेंट में भी पर हमारी positive, जीरो इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव या वेलोसिटीज की होती है सो देर आर फोर टाइप्स ऑफ वेलोसिटी सो नंबर वन इज यूनिफॉर्म वेलोस्टी तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखिए एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम हाउ एवर स्मॉल दिस टाइम इंटरवल में बी तो वही बात है जैसे कि हमने बात करी थी हमारी स्पीड के अंदर कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड में हमने बताया था कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है इक्वल डिस्टेंस को इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यहाँ पर हम कर दे, कह देंगे कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इन दैट केस द स्पीड इज कॉल्ड वेलोसिटी ठीक है उस वो जो स्पीड है वो हमारी वेलोसिटी बन जाएगी अगर यहां पर डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट हो गया ठीक है तो देखिए कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है ठीक है जो कि यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहा है तो क्या होगा कि भाई वो जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा ठीक है अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो यहाँ पर जैसे ये जो हमारे टाइम इंटरवल है मैंने चार टाइम इंटरवल बना ली ये यह यहाँ पर हो गया सपोज फाइव सेकेंड फाइव सेकेंड फाइव सेकेंड एंड फाइव सेकेंड ठीक है पांच सेकंड का यहां पर हमारा इंटरवल है तो यहां पर ये जो इसने डिस्टेंस कवर करी है मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है दिस इज टेन मीटर दिस इज ऑल्सो टेन मीटर दिस इज ऑल्सो टेन मीटर दिस इज ऑल्सो टेन मीटर सो द ऑब्जेक्ट इज कवरिंग टेन मीटर डिस्प्लेसमेंट इन एवरी एवरी फाइव सेकंड सो ऑब्जेक्ट कवरिंग इक्वल डिस्टेंस सॉरी इक्वल डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट कवरिंग इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम कि भाई जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो सारी हमारे इक्वल है और टाइम इंटरवल भी यहां पर इक्वल है तो इस केस में हम क्या कहेंगे हम इसको कहेंगे यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी ठीक है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ठीक है और यहां पर आ, किसी भी इंस्टेंट आप वेलोसिटी बता सकते हो ठीक है किसी भी इंस्टेंट यहां पर जैसे भाई इस इंटरवल में जो वेलोसटी आपकी वो कितनी है सो so, डिस्प्लेसमेंट uh, आपकी टेन और यहां पर जो टाइम है आपका फाइव सो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम दैट इज वेलोसिटी सो टेन अपॉन फाइव दैट इज टू सो टू मीटर पर सेकेंड इज ऑल्सो टू मीटर पर सेकेंड यहां पर भी टू मीटर पर सेकेंड और यहां पर भी टू मीटर पर सेकेंड तो यहां पर जो आपकी यूनिफॉर्म स्पीड uh, है वो कितनी है यूनिफॉर्म सॉरी uh, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज टू मीटर पर सेकेंड मतलब हर सेकेंड में हर सेकेंड में ऑब्जेक्ट दो मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है ठीक है अच्छा uh, तो ये तो होगी हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसके बाद नेक्स्ट इज वेरिएबल वेलोसिटी सो वेरिएबल वेलोसिटी क्या हो जाएगी और ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी मूविंग विद वेरिएबल वेलोस्टी इफ इट आईडर चेंजेस इट्स स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ विद टाइम कि देखिए वेरिएबल स्पीड वेलोसिटी क्या हो गई कि अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है जो कि स्पीड को चेंज करता है ठीक है जो कि स्पीड को चेंज करता है या फिर वो वहां पर चेंज करता है अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को या फिर दोनों को चेंज करता है कि भाई जो एक ऑब्जेक्ट है वो हमारा मूव कर रहा है ठीक है मूव कर रहा है यहां पर फाइव मीटर पर सेकेंड से टूवर्ड्स से टुअर्ड्स वेस्ट ठीक है वेस्ट की तरफ मान लेते हैं मूव कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट तो क्या है कि अगर वो यहां पर ये जो है ये तो हो गई हमारी स्पीड दिस इज स्पीड और ये हो गई यहां पर हमारी वेस्ट जो मैं जो जा रहा है ये होगी डायरेक्शन तो क्या है दोनों चीज हो गई स्पीड प्लस डायरेक्शन ठीक है मतलब ये क्या है ये हमारी वेलोसिटी है ठीक है तो वेलोसिटी के लिए कि भाई जो वेलोसिटी है वेलोसिटी को हम कब बोलेंगे कि जो हमारी वेलोसिटी है वेरिएबल है तो दो यहाँ पर बेसिकली केस होंगे एक तो यहाँ पर स्पीड चेंज हो रही हो कि ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी स्पीड चेंज कर रहा है कि भाई एक बार फाइव मीटर पर सेकेंड है स्पीड फिर यहां पर सिक्स मीटर पर सेकेंड हो गई फिर टेन मीटर पर सेकेंड हो गई ठीक है मतलब ये आ, ये रास्ता है और इस रास्ते में भाई यहां पर ये जो टाइम इंटरवल है वन वन सेकेंड के टाइम इंटरवल है वन सेकंड वन सेकंड वन सेकेंड वन सेकेंड वन सेकंड सारे वन सेकंड के यहां पर टाइम इंटरवल है और एक बार यहां पर स्पीड फाइव मीटर पर सेकेंड है ठीक है एक बार यहां पर सिक्स है फिर कभी सेवन है फिर कभी टेन है फिर कभी एट है मतलब पूरे रास्ते यहां पर जो स्पीड है वो चेंज हो रही है तो स्पीड अगर चेंज होगी तो उस केस में हमारी वेलोसिटी भी चेंज होगी अगर स्पीड चेंज होगी तो वेलोसिटी भी चेंज होगी ठीक है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब ये कैसी है ये वेरिएबल वेलोसिटी है या फिर ये नन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है सो वेरिएबल वेलोसिटी कब कहेंगे कि अगर स्पीड चेंज हो रही है कि भाई जो टाइम इंटरवल है उसके अंदर ऑब्जेक्ट जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो इक्वल नहीं है जैसे कि हमारा स्पीड uh, के अंदर था तो सेम केस में यहां पर कि अगर जो इंटरवल है यहां पर दोनों इंटरवल बराबर नहीं है ठीक है कि ये जो इंटरवल है सारे डिफरेंट डिफरेंट है ठीक है या फिर यहां पर टाइम डिफरेंट हो सकता है सो so, यहां पर अगर स्पीड चेंज हो गया तो उस केस में जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी द नेक्स्ट इज डायरेक्शन कि अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है कि भाई ऑब्जेक्ट जो है जैसे वेस्ट की तरफ जा रहा है फिर वो वेस्ट से 20 डिग्री घूम गया यहां पर ठीक है नॉर्थ की तरफ तो उस केस में क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया तो अगर डायरेक्शन में भी चेंज होता है तो उस केस में भी वेलोस्टी चेंज हो जाएगी और उस वेलोस्टी को हम क्या कहेंगे वेरिएबल वेलोस्टी या फिर दोनों चीजें चेंज हो रही हो तब भी वो जो हमारी वेलोस्टी है वो कैसी है वो वेरिएबल वेलोस्टी है सो वेरिएबल वेलोस्टी याद रखिए कि जो ऑब्जेक्ट है या तो उसकी स्पीड चेंज हो गई ठीक है स्पीड चेंज होगी मतलब वो जो डिस्टेंसेस या डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा टाइम के अंदर वो इक्वल नहीं होंगे अनइक्वल होंगे या फिर वो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करता है या फिर दोनों को चेंज करता है इन दैट केस दस वेलोसिटीज इज कार्ड वेरिएबल वेलोसिटी सो नेक्स्ट हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी पे सो एवरेज वेलोसिटी देखिए सो फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द सॉरी एवरेज स्पीड नहीं यहाँ पर यह हमारी एवरेज वेलोसिटी होगी ठीक है सो एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन टू कवर द डिस्प्लेसमेंट तो अगर एक ऑब्जेक्ट है जो कि वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है मतलब या तो उसकी स्पीड चेंज हो रही है या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है ठीक है तो दोनों में अगर चेंज होता है तो उस केस में जो मोशन है वो हमारा वेरिएबल मोशन है वेरिएबल वहां पर हमारी वेलोसिटी है सो तो अगर कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो जो एवरेज वेलोसिटी है तब हम उसको डिफाइन करते हैं एंड दैट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन की जो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है अगर उसको हम डिवाइड कर दे टोटल टाइम से देन द देन द वेलोसिटी यहां पर फिर मैंने स्पीड लिख दिया देन द वेलोसिटी सो वेलोसिटी जो है वो हमारी एवरेज बेसिकली एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी ठीक है सो so, जो हमारी एवरेज वेलोसिटी है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू टोटल टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन ठीक है जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो रही है और जितना टोटल यहां पर टाइम लिया जा रहा है ठीक है उसको अगर हम यहां पर डिवाइड कर देते हैं तो वहां पर हमें मिल जाती है एवरेज वेलोसिटी ओके तो सो तो भाई यहां पर सिंपली जैसे हमने एवरेज स्पीड को निकाला था वैसे ही हम एवरेज वेलोसिटी को भी निकाल सकते हैं जो भी टोटल डिस्टेंसेज है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन जैसे ये हमने एग्जांपल लिया था यहां पर फाइव मीटर भाई एक दूसरा एग्जांपल ले लेते ले हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव कर रहा है यहां पर ठीक है इस तरीके से कि भाई ये जो है हमारा वन सेकेंड का इंटरवल है वन सेकेंड वन सेकेंड वन सेकंड तो यहां पर एक सेकंड में उसने पांच मीटर की डिस्प्लेसमेंट कवर करी यहां पर उसने छह मीटर की डिस्प्लेसमेंट कवर करी यहां पर उसने चार मीटर की डिस्प्लेसमेंट कवर करी यहां फिर पांच मीटर की डिस्प्लेसमेंट कवर कर दी ठीक है और तो इस तरीके से यहां पर अगले एक इंस्टेंट उसने कोई भी नहीं जीरो डिस्प्लेसमेंट कोई डिस्प्लेसमेंट रिकवर नहीं करी ठीक है तो इस केस में यहां पर क्या है कि आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो और एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट सो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज फाइव प्लस सिक्स प्लस फोर प्लस फाइव डिवाइडेड बाई टोटल टाइम वन टू थ्री फोर फाइव फाइव सेकेंड सो ये हो गया सिक्स प्लस फोर दट इज टेन प्लस फाइव प्लस फाइव सो ट्वेंटी डिवाइडेड बाय फाइव सो दिस इज फोर मीटर पर सेकेंड तो यहां पर जो हमारी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी ये कितनी आएगी फोर मीटर पर सेकेंड हो जाएगी ठीक है अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये बिल्कुल एक्यूरेट है यहां पर ये बेसिकली हमें एक एवरेज देता है कि एक ए पोजीशन से बी पोजीशन तक की जो वेलोसिटी है वो कितनी रही होगी तो करीब करीब यहां पर जो वेलोसिटी है वो इतनी होगी ठीक है या आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि भाई ये जो इसने जितने यहां पर जो हमारी है जितनी यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट कवर करी है, जितने टाइम में ठीक है कि जो अलग अलग स्पीड से वो मूव करके गया है अगर वो फोर मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करके जाए तब भी उसको उतना ही टाइम लगेगा यहाँ पर ठीक है ये पूरा पोजिशन जो है पूरा डिस्प्लेसमेंट है इसको कवर करने के अंदर सो दिस इज वेलोसिटी अच्छा अब मान लेते हैं लेट x1 वन एंड एक्स बी द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम t1 वन एंड टी अब यहां पर देखिए कि ये जैसे मान लेते हैं हमारा टाइम है t1 ठीक है दिस इज टाइम t1 वन एंड दिस इज टाइम t2 ठीक है और ये जो पोजिशन है ये x1 है ये जो पोजिशन है ये x2 है एक्स so, वन और एक्स टू पोजिशन तो इस केस में आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो एवरेज स्पीड जिसको हम वी एवरेज से डिफाइन करते हैं सो एवरेज सॉरी स्पीड नहीं एवरेज वेलोसिटी तो कितनी हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी सो देखिए यहां पर ये एक्स टू है ये एक्स वन है तो बेसिकली uh, आप लिख सकते हो एक्स टू माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाय टी टू माइनस टी वन की ये जो आपका इंटरवल है डिस्प्लेसमेंट का इंटरवल कितना है डिवाइडेड बाय टाइम का इंटरवल कितना है और यहां से आप एवरेज वेलोसिटी uh, को निकाल सकते हो ठीक है और एक्स टू माइनस बाय टी टू माइनस टी वन डेल टी डेल यहां पर शो करता है चेंज को कि भाई इस इंटरवल के दौरान जब आपने यहां से यहां तक मूव किया है तो आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी चेंज हुई है और टाइम कितना चेंज हुआ है ठीक है तो बेसिकली दिस इज द एवरेज वेलोसिटी ठीक है इस तरीके से हम एवरेज वेलोसिटी को निकाल सकते हैं अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की अच्छा एक बात और देखिए यहां पर हमने वेक्टर साइन यूज किया है ठीक है तो वेक्टर साइन हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि जो हमारे वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किसी इंस्टेंट में अगर हम निकालते हैं किसी फिक्स इंस्टेंट में तब हम उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ठीक है सो जैसे ये है तो भाई किसी भी इंस्टेंट जैसे हमें यहां पर अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बतानी है तो यहां पर हम भाई एवरेज वेलोसिटी नहीं बता सकते क्योंकि एवरेज वेलोसिटी बेसिकली में पूरे रास्ते का एक एवरेज देती है बट यहां पर हम क्या कर सकते हैं है? यहां पर हम यहाँ पर हमें इंस्टेंट इसी इंस्टेंट बताना है कि इसी इंस्टेंट ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो कितनी है तो इंस्टेंट की वेलोसिटी बताने के लिए या इंस्टेंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताने के लिए हम यूज करते हैं यहां पर बेसिकली कि Uh, let, uh, यहाँ पर अगर वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है डेल्टी टाइम के अंदर ठीक है और जो टाइम है दैट इज वेरी क्लोज टू जीरो जैसे भाई यहां पर है ये ए है हमारा ठीक है इस पोजीशन पर बतानी है सो दिस इज ए तो इसी इंस्टेंट ठीक है मान लेते हैं यहां से ये ये जैसे ये हमारा वन सेकंड है ठीक है यहां तक हमारा वन सेकंड हुआ है ये जीरो सेकंड से शुरू हुआ था ठीक है टाइम जीरो से है टाइम इंटरवल है यहां पर जीरो से वन और वन के बाद जस्ट यहां पर ठीक है कि मतलब ये है और वन पॉइंट जीरो 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 टू सेकंड मान ले ठीक है तो ये इंटरवल कितना छोटा हो गया जीरो जीरो बेसिकली यहां पर टू का यहां पर डिफरेंस हो गया इतना छोटा यहाँ पर टाइम इंटरवल हो गया तो वैन डेल्टी टेंस टू जीरो तब हम कह सकते हैं कि भाई जो हम यहां पर जो हम वेलोसिटी बताएंगे वो बिल्कुल इंस्टेंटेनस वेलोस्टी होगी ठीक है तो इस केस में ये जो वेलोस्टी आई यह हो जाएगी हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ठीक है सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डायलेक्स डिडेड बाई डेल्टी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम ठीक है और ये जो टाइम है टाइम में जो चेंज होगा वो कितना होगा दैट इज वेरी क्लोज टू जीरो बट नोट विल बी जीरो जीरो नहीं होगा ठीक है अगर ये जीरो हो गया तो फिर वहां पर तो ये अनडेटरमाइंड हो जाएगी हमारी वेलोटी तो इसलिए हमेशा हम छोटा सा टाइम इंटरवल यहां पर लेके चलते हैं इसको जीरो नहीं मानेंगे सो डेलेक्स डिवाइडेड बाई डेल्टी वैंड लिमिटिंग डेल्टी टेंस टू जीरो इट इज डीएक्स डिवाइडेड बाई डी टी ठीक है अब इसको हम यहां पर लिख सकते हैं ये जो है मैथमेटिकल फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं डीएक्स डिवाइडेड बाई डी टी देंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम यहां पर जो डीएक्स बाई डी टी है यह क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिसमेंट विद रेस्पेक्ट टू द टाइम ओके एंड इसको हम बोलेंगे डीएक्स बायी इज फर्स्ट ऑर्डर डायरेवेटिव ऑफ डिसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम कि ये जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट का डायरेवेशन है विद रेस्पेक्ट टू टाइम टाइम के रेस्पेक्ट में ये बेसिकली उसका डिफ्रेंशिएशन है ओके सो दिस इज इंस्टेंटेनस वेलोसिटी So, देखिए हमने यहां पर चारों हमारी वेलोसिटी के बारे में पढ़ा नंबर वन यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ऑब्जेक्ट पूरे रास्ते एक फिक्स स्पीड के साथ जाएगा और साथ में डायरेक्शन भी चेंज नहीं करेगा ठीक है सेकंड हमने देखा वेरिएबल वेलोसिटी वेरिएबल वेलोसिटी में या तो स्पीड चेंज होगी या डायरेक्शन चेंज होगी या दोनों भी चेंज हो सकते हैं नेक्स्ट इज एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी अगर कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उस केस में हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं ठीक है ठीके? तो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन होती है एंड द लास्ट वन इज इंस्टेंटेन वेलोसिटी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम एक किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकालनी है तब हम उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनस वेलोसिटी अब देखिए यहां पर जो एवरेज वेलोसिटी है और जो एवरेज स्पीड है दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है ठीक है दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है वो क्या है देखिए सो दैट इज कि जो हमारी एवरेज जो एवरेज स्पीड है जो एवरेज स्पीड है और जो एवरेज वेलोसिटी है एवरेज वेलोसिटी है एवरेज स्पीड या तो हमेशा ज्यादा होगी या बराबर होगी एवरेज वेलोसिटी के ठीक है एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द एवरेज वेलोसिटी ठीक है जिस तरीके से यहां पर हमारी भाई एवरेज जो हमारी डिस्टेंस थी वो या तो ज्यादा थी या बराबर थी एवरेज डिस्प्लेसमेंट के सिमिलरली एवरेज स्पीड या तो बड़ी होगी या फिर बराबर होगी एवरेज वेलोसिटी के अच्छा एक यहां पर बात हो रही है कि भाई ये इक्वल कब होगी जो एवरेज हमारी स्पीड है एवरेज स्पीड ये एवरेज वेलोसिटी के इक्वल कब होगी कौन सा एक सब फिक्स केस होगा जहां पर ये दोनों बराबर होगी तो देखिए ऐसा होने के लिए यहां पर क्या है कंडीशन होनी चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहले तो एक स्टेट लाइन में मूव करना चाहिए तो कैसा मोशन होना चाहिए स्टेट लाइन मोशन होना चाहिए यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर ऑब्जेक्ट जो है उसको मूव करना चाहिए और साथ में ऑब्जेक्ट में जो डायरेक्शन है डायरेक्शन में जो चेंज है वो नहीं होना चाहिए ठीक है मतलब एक फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है एक सीधी लाइन में चल रहा है ठीक है सीधे लाइन में चल रहा है और कोई डायरेक्शन में भी चेंज नहीं हो रहा है ठीक है तो देखिए सीधे लाइन में चलेगा ठीक है तो वहां पर जो स्पीड है एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है ठीक है तो और साथ में डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है तो उस केस में हम कहेंगे कि जो हमारी एवरेज स्पीड है दैट इज टोटल डिस्टेंस उसके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होगी ठीक है क्योंकि ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा और ना ही यहां पर डायरेक्शन चेंज होगी तो स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए और साथ में डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए तो उस केस में जो हमारी एवरेज स्पीड है और एवरेज वेलोसिटी है वो बराबर होगी ठीक है अगर एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है साथ में डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है देन इन दैट केस एवरेज स्पीड विल बी इक्वल्स टू द एवरेज वेलोसिटी ओके okay? और ये भी याद रखिए कि एवरेज स्पीड हमेशा या तो बड़ी होगी या बराबर होगी एवरेज वेलोसिटी के ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द वेलोसिटी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई थिंक जो आपका टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा सो दैट इज इट